दी तो जान मिला दिया बच्चा सन के ना ना आ, उनकी माँ बाप की पोसने की ताकत नहीं है। आप टीचर नहीं है? टीचर है तो टीचर है तो हम लोग को बीसी मीटिंग में नहीं प्रथम दृष्टि आई है कि बच्चे को अपने परेशानी हुआ है जी। उसके बाद डॉक्टर टीम आई हुई है, जाँच चल रहा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं राय भाई ब्लॉग चैनल। अभी हम उपस्थित है मियाँपुर तिलंगे में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो दिखाइएगा ऊपर बथना उर्दू कन्या में, और यहाँ फलेरिया का दवा खिलाया गया है बच्चों सबका, जो आप लोगों का तमाम भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा दिखाइएगा। और बच्चे सब अभी बेहोशी के हालत में पड़े हुए हैं और डॉक्टर भी यहाँ उपस्थिति में है और चल कर आप लोग को दिखाते हैं। चलिएगा फास्ट में, जो अभी तमाम भीड़ है और बच्चे सब काम दिखाने का प्रयास आप लोग को करेंगे। जो अभी इधर आइए, जो फलेरिया का दवा खिलाया गया है और सरपंच साहब यहाँ मौजूदगी में, इधर आइए। जो बच्चे सब यहाँ दिखाइए, यहाँ बच्चे सब लगातार जो फलेरिया का दवा खिलाया गया है तो बेहोशी के हालत में अभी पड़े हुए हैं, जो राजकीय मियापुर में विद्यालय पढ़ता है। बाबू कैसे हो अभी तुम, किस तरह हो रहा है? कपार दर्द कर रहा है अभी भी। कपार दर्द कर रहा है? तुम कैसे हो? पेट दर्द करता है। तुमको कैसे हो रहा है? पेट दर्द कर रहा है। जो देखिए यहाँ पर तमाम बच्चे पड़े हुए हैं और ग्रामीण भी यहाँ उपस्थित है और मुखिया जी हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे वहाँ पर। दिखाइएगा यहाँ मुखिया जी हैं, कुछ बात कैसे क्या हुआ? जैसे फलेरिया का दवा खाया था सब, उसीलिए हो गया। लगभग ठीक है, 10% और रह गया है सब। जी 10% और बाकी है। हाँ, लगभग सब दवा खा लिया, लगभग ठीक है सब। जी तो चलिए, और कुछ उस क्लास में भी बच्चे आप लोग हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिएगा, जो इधर भी बच्चे सब अभी पड़े हुए हैं यहाँ दिखाइए। बाबू किस तरह हो रहा है? दुखा रहा है, पेट दुखा रहा है। कितना देर से पेट दुखा रहा है? दो बरस से। तो चलिए, जो अभी बच्चे का स्थिति हम आप लोगों को दिखा दिया, और चलिएगा उस साइड रूम में जो यहाँ तमाम भीड़ है। यहाँ जो अभी रूम में देखा, सर से भी कुछ बातचीत करेंगे। आप टीचर नहीं है? टीचर है तो टीचर है तो हम लोग को बीसी मीटिंग में नहीं जाते हैं जी। हम बीसी मीटिंग में जो आदेश होता है ना, बीसी मीटिंग में बताया जाता है। तो जैसा मैंने यहाँ हुआ वैसा हुआ, हेडमास्टर साहब बीसी मीटिंग में जाते हैं जी, तो वही बताएंगे सर। हेड सर कहाँ पे? बस थोड़ा दिखा दीजिए यहाँ बच्चे सब। बाबू कैसा है अभी? कहेंगे तबीयत है बताओ, यहाँ खुल कर बताओ तो। मुरी दुखा था, चक्कर आ था। कितना देर से? एक घंटा हो गया। एक घंटा से? हाँ। जो यहाँ बच्चे सब लगता है, इधर भी दिखाइएगा इसको। अच्छा इधर इसको पकड़। कहेंगे हो रहा है बाबू तबीयत? चक्कर आ। कितना देर पहले दवा खाए हो? लगभग 2 घंटा। कितना देर पहले? 1 घंटा। 1 घंटा पहले। जो अभी बच्चे से हम लाइव आप लोग को बात करा रहे हैं, देख लीजिए स्थिति। इनको गार्जियन पकड़ कर खड़े हैं, तभी बच्चा खड़ा है। तो फलेरिया का दवा खिलाया गया, उसके बाद ये स्थिति ये स्कूल में उत्पन्न हुआ है, जो अभी लाइव हम दिखा रहे हैं। देखिए, हम कहना ये चाहते है कि ऐसा दवा है जिससे नुकसान होने वाला है, तो वो लोग गार्जियन को बुला ले, वहाँ बता दे ये दवा खिलाना है जी, अपने सामने हम खिलाएंगे। कुछ होगा तो जिम्मेवारी हमारा, समझेंगे ना। हाँ, ये दवा खा रहा है लड़का, और वो क्या खाए खिलाए हैं क्या नहीं खिलाए हैं वो तो हम लोग पता नहीं है जी। जी, अगर कुछ होता है तो ये बात ठीक तो नहीं है जी। जी, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो होना चाहिए जी। हाँ, और कुछ कहना चाहिएगा? अब क्या कहें, अब देखिए बात ठीक नहीं है। अब तो हम लोग बच्चों को देख कर हम लोगों का थोड़ा समय बहुत नाजुक लग रहा है जी। जो तमाम बच्चे यहाँ पर अभी इधर कुछ ठीक दिख रहे हैं, लगभग 2-3 घंटा हो चुका है दवा खिलाने हुआ। अभी कहाँ राहुल लड़की कहाँ बड़ी? क्या ना बाबा को तभी पेट दुखाता है? पेट दुखाता है कितना देर से? ट्रिपल बस से। अच्छा, जो अभी बच्चे सब का स्टेटमेंट आप लोग काम दिखा रहे हैं, तमाम बच्चे का बोल रहे थे? नहीं सर, ये
बोल रहे थे हमको ऊपर से आदेश आया है, हम मीटिंग में गया है, सुनिए सर, मीटिंग में गया है, हमको आदेश आया है बच्चों को दवा खिलाने के, हेडमास्टर आज के दिन का उसका आई कार्ड बनाइए, उसका माँ बाप का उनका नंबर है, माता पिता का जो नंबर है फोन क्यों नहीं किया, फोन क्यों नहीं किया, उसका बच्चा का कोई बात हो जाएगा तो कौन जवाब देगा, यही लोग जिम्मेवार होंगे और कौन होगा, कौन जवाब देंगे, बच्चे सब का घर का गार्जियन भी यहाँ पर उपस्थिति में है और का चाहता नहीं, हम लोग यही बोल रहे थे जब ऊपर से आपका आदेश आते हैं तो जो आदेश आते हैं तो माँ बाप से आप कहिए, माँ बाप राजी होगा तो खाएगा, नहीं राजी होगा नहीं जी। जो अभी चलिए हेड मास्टर से भी बात करने वाले हैं, अभी बच्चा सब यहाँ है और आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, चलिएगा आगे। हुआ क्या है जी, जी सर से थोड़ा हुआ क्या है कि मेडिकल टीम में तीन आदमी आया हुआ था जी, नहीं चार आदमी, एक आदमी यहाँ की आशा है जी, और तीन दो लेडीज और एक जेंट्स, तीन आदमी आए हुआ था लोग, वो लोग अपना वहाँ बैठा, लोग जब तक खाना बना है खिचड़ी वगैरह दाल भात सब्जी खाना खा के तब बच्चा को बुलाया लोग खिलाने के लिए, खुद अपने हाथ से वो लोग खिलाया, खुद अपने हाथ अपने हाथ से खिलाया, यहाँ रह के हम एकदम खुद देखे हैं, खुद अपने हाथ से खिलाया, तो अपने खिलाएगा तो उनका माँ बाप की क्यों नहीं बुलाया, ये बात तो सही है, ये वीसी मीटिंग में जो बताया गया हेडमास्टर साहब को कि उनके माँ बाप को हेडमास्टर साहब पूछ लिया उनसे, आ जाइए सर, आइए इनसे भी पूछ लीजिए, वीसी मीटिंग में क्या बोला बताया गया, वीसी मीटिंग में यही कहा गया कि सरकारी आदेश के अनुसार अलमेलाजोल और मलेरिया का गोली बच्चों को खिलाना है जी। हाँ। कितना देर से मतलब खिलाने के बाद एमडीएम खाना खा लेने के बाद से। हाँ। अभी बच्चे सब कैसे हैं, अभी के परिजन, अभी बच्चे कुछ बेहोश है और पेट में दर्द हो रहा है, दर्द बच्चों का, डॉक्टर सब आए हुए हैं, हाँ तो वो मेडिकल अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आ गई है तो चलिए मेडिकल टीम भी आई हुई है, कुछ जानने का प्रयास वहाँ भी हम करेंगे, बच्चों का माँ बाप, बच्चों का माँ बाप इनके बुलाना अधिकार है, कोई बात हो जाएगा तो जवाब कितना बच्चे का देंगे, सही बात, आप तो बात सही बोल रहे हैं, कितना अधिकार है इनका, जब नहीं नहीं हम नहीं खिलाए हैं, हम नहीं खिलाए हैं, देखिए बैरिया घर में खिलाया गया है जहाँ एक सिर्फ है, बैरिया बाजार में मिडिल स्कूल में एक बच्चे को हुआ है और यहाँ न जाने कितने बच्चे को हो गया, अरे आया है तो बताया मेडिकल, मेडिकल टीम, अब मेडिकल टीम बुलाया गया है, मेडिकल टीम आया हुआ है, हाँ मेडिकल टीम से बात करने वाला है, चलिए चलिए हटिए हटिए आइए, और यहाँ पर बैरिया प्रशासन भी उपस्थित में है, जो स्कूल के मैं प्रांगण में बात कर रहा हूँ, सर भी आए हुए हैं, कुछ जानने का प्रयास करेंगे, अभी बैरिया पुलिस पहुंची हुई है और देख लीजिए आप, भीड़ को हटाने का मतलब प्रयास हो रहा है, जो अभी स्कूल में हम लाइव उपस्थित है और आप लोग बने रहिए, वीडियो में हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, जो यहाँ पर प्रशासन मौजूदगी में आई हुई है, आगे की कार्रवाई क्या हो रहा है आप लोग को हम दिखाने का प्रयास फुल करेंगे, देखिए यहाँ पर सर भी उपस्थित है, जो अभी यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है और भीड़ को निकालने का प्रयास हो रहा है, जो अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ जब हम अभी डॉक्टर के पास उपलब्धि में है, कुछ जानने का प्रयास कर, सर कैसे क्या हुआ, हम लोग पीएचसी पर थे जी, यहाँ से फोन गया है जी कि वहाँ कुछ बच्चों को पेट में दर्द है, गैस हो गया, चक्कर ऊपर आ रहा है, माथा में दर्द है, तो हम लोग वहाँ से भागे हुए आए हैं, यहाँ पर देखे हैं जी, देखे उसके बाद ORS और बाकी सब दवाई जो दिए हैं जी, उससे बच्चा सब ठीक भी है जी, और आया सब की, हाँ और आया सब की ठीक है, वैसे भी जो स्टेट का गाइडलाइन आया था जी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि पेट में दर्द जी, चक्कर आना, उल्टी होना, ये इस दवाई का मतलब इफेक्ट है, ठीक है जी, और इसे डरने की कोई बात नहीं है, कुछ देर के लिए है, उसके बाद ठीक हो जाएगा जी, जो अभी डॉक्टर का स्टेटमेंट आप लोगों को लाइव हम दिखा देंगे, आपको हम स्टेट गाइडलाइन जो आया हुआ था वो भी हम आपको दिखा देते हैं, हमारे जो परमेश्वर प्रसाद जो है राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया के, उनका एकदम
स्पष्ट स्टेटमेंट है कि दवा खाने के बाद उल्टी या चक्कर आना समस्या नहीं, फाइलेरिया परजीवी के मरने का संकेत है जी। ठीक है, ये गाइडलाइन बहुत पहले निकल चुका है, जब प्रोग्राम का हम लोग हो रहा था जी तभी निकल चुका था, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा घबराने का मतलब हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका एक मतलब वही है कि हाँ इसके लिए हम लोग आए हुए हैं जी। अगर कोई सीरियस बच्चा रहता तो हम तो उसको यहाँ से रेफर करिए लेते, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा तो रुके हुए हैं। यहाँ पर सर का कहना है कोई घबराने का मतलब दिक्कत नहीं है, सब धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाएगा। सरपंच साहब यहाँ उपस्थिति में क्या कहना चाहिएगा सर? अरे मियापुर में जो अपना नया बस्ती है उसमें स्कूल है, हम सुने अभी हमको फोन मिला है कि बच्चे लोग का हालत खराब है, परेशान बच्चा लोग दवा खाया है जी। जो बच्चा लोग अब यही बताइए डॉक्टर साहब कौन दवा दिए है बच्चे लोगों को? ये तो यहाँ से कौन नाम है फलेरिया का दवा खिलाया गया है, और फलेरिया दवा है जी। तो बच्चे लोग गर्मी से भी ऐसा होता है जी। जी। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कैसे हो जाएगा? ये जो गार्जियन क्या कहना चाहता है? बहुत दर्द है, बहुत दर्द है पेट में, पस का दर्द बा। हाँ पस का दर्द बा। डॉक्टर के कहना में दवा खिलाईला के बाद एक दो घंटा मतलब उल्टी उल्टी चक्कर होकर आई ठीक हो जाइए सर, हमारा इलाज जरूरत नहीं है डॉक्टर। अच्छा तो एक दो घंटा अगर आइए सर सही हो जाइए सर, क्या कहे के चाहत नहीं बच्चा सब तुम तुने बोल दिया ला खाए के वो तो स्टूडेंट दा तो बच्चा सब तो ऐसी कर बहु की दे नचबे करी का रहू एक्शन ले चाहत नहीं का ये लोग को क्या कहे लोग गार्जियन का मौजूदगी में सही कर लो, गार्जियन का मौजूद बा तो ना सर लोग का कर लो ओ लोग उपाय हो पुलिस प्रशासन आई भैया तो उपाय हो के चाही प्रशासन आई बा भैया हम इतना चाहत नहीं आई कार्ड बनावा माई बात उनका बुलावे के चाहत बोलो। हां हां गार्जियन ने पहले कहीं जब तक गार्जियन नहीं तब तक उन्हें खिलावे के ना आदेश रहो, ना सरकार जहर भेज दी तो जहर मिला दिया बच्चा सन के, ना ना उनकी माँ बाप की पोसने की ताकत नहीं है। हाँ बिल्कुल आपका कौन नाम सही है। और चलिए सर भी बैरिया थाना जो अभी उपस्थिति में कुछ बात जानने का प्रयास करेंगे, थाना के मौजूदगी में सर उपस्थित है, दो टन कुछ जानने का प्रयास करेंगे सर अभी हालात कैसा है? देखिए अभी जो भी है ना प्रथम दृष्टि आई है की बच्चे परेशानी हुआ है जी, उसके बाद डॉक्टर टीम आई हुई है, जांच चल रहा है जी। हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ भीड़ इकट्ठा करें ताकि बच्चों को ऑक्सीकेशन की दिक्कत ना हो, छोटा कमरा है ऑक्सीजन लेवल यहाँ बरकरार है, इसलिए हम चाहते हैं लोग यहाँ से दूरी बनाए रखें, डॉक्टर अपनी टीम बैठी है उनको समय दिया जाए ताकि शांति और सौहार्द तरीके से अपने काम को कर सके, यही मेरा कहना और कुछ नहीं कहना बस। चलिए थैंक यू, भी मैं बात करा दिया हूँ, और चलिए जो भी होगा आगे अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।